अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित जांजगीर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व सरपंच कमलेश जांगड़े को प्रत्याशी बनाया है। विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करने वाली कमलेश ने शक्ति विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कमलेश ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि जांजगीर में इस बार भी कमल खिलेगा। उन्होंने तर्क दिया है कि जिले में राजनीतिक परिस्थितियों को चाहे जो हो, लेकिन भारत सरकार की उपलब्धियां हमारी जीत का आधार बनेगी। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरे को लेके पूरे क्षेत्र में जाएंगे और सबका साथ सबका विकास होगा। देखा जाए तो आठ विधानसभा आठों विधानसभा में कांग्रेस का पिछले बार भी हमारे दो विधायक थे तो भी हमारे सांसद चुन के गए थे और इस बार नहीं है तो हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बहुत अच्छे से हम चुनाव जीत के जा रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु सब लोग लगे हुए हैं।